हेलो फ्रेंड्स वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एम्पायर तो फ्रेंड्स मिलियन माइंड्स इंग्लिश की बुक से आपके प्रैक्टिस सेट टेन तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं और इसके अलावा भी हमने आपको काफ़ी प्रैक्टिस सेट्स कराए हुए हैं आप चैनल की प्लेलिस्ट विज़िट करके वहां से देख सकते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट एलेवन स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया है जिसको रीड करके आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं फाइव क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इस पर बेस्ड है जो इसके ऊपर और आपको उसके आंसर्स करने ठीक है एक बार इसको रीड कर लें आप वीडियो को पॉज करके भी रीड कर सकते हैं अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग तो देखिए आप रीड कर ले इसको मैं आपका क्वेश्चंस के आंसर बता देती हूँ किसका क्या है बाकी आप मैच कर लीजिएगा आफ्टर दैट देखिए क्वेश्चन नंबर वन वेन पेट्रिकोज फादर्स डाइड जब पेट्रिको फादर की डेथ हो जाती है तो देखिए यहाँ इसका क्वेश्चन नंबर वन का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका बी ही वॉन्टेड टू सी वर्ल्ड ओके क्वेश्चन नंबर टू देखिए हॉटेंसिस ए फ्रेंड ऑफ पेट्रोक्योस वॉन्टेड टू मैरी यहाँ पे सेकेंड का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए बियंका थर्ड देखिए कैथरीन वॉज एज ब्यूटीफुल एज अ सिस्टर बट कैथरीन भी इतनी ही सुंदर थी जितनी कि उसकी बहन बट यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा शी हैड एन अनकंट्रोलेबल मै टेम्प नेक्स्ट देखिए एवरी वन वॉज अफ्रेयड ऑफ कैथरीन बिकॉज हर कोई कैथरीन से डरता था बिकॉज क्योंकि शी हैड ए शार्प एंग्री टंग क्योंकि उसकी बहुत ही शार्प एग्री टंग थी यानी कि वो बहुत कुछ भी बोल देती थी क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं बेप्टिस्टर डिसाइडेड ऑन ए प्लान बिकॉज तो यहाँ क्वेश्चन नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ही कुड नॉट गेट कैथराइन मैरिड क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं फाइव तक आपके पैसे दिए गए थे आपके क्वेश्चन अब देखिए आपका स्टार्ट हो जाता है यहाँ से क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए फुल फैदम फाइव थाई फादर लाइस आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन इस लाइन में आपको फिगर ऑफ स्पीच को फाइंड करना है कौन सा है तो देखिए यहाँ पर आपका इसमें क्वेश्चन नंबर सिक्स में राइट ऑप्शन हो जाएगा सी एलेक्ट्रेशन इसमें आपको देखने को मिलता है ठीक है क्योंकि यहाँ फ फ की साउंड बार बार आ रही है फुल फैदम फाइव दाई फॉर अदर लाइज ओके और जिसमें आपका कॉन्सनेंट की साउंड है वहाँ पर एलेक्ट्रेशन होता है देखिए फाइंड द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है आपका आलूशन आलूशन का आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है आलूशन का सिनोनिम फाइंड करके ओके okay? तो आलूशन का मीन्स क्या होता है आपका संकेत या फिर इशारा कह सकते हैं इसको संकेत या इशारा ओके okay? और इसमें आपका राइट right ऑप्शन हो जाएगा सी इनडायरेक्ट रेफरेंसेस कुंभर सम का मीन्स होता है आपका दुखदायक या जटिल मैकेजाइजेशन मैकेजेशन होता है आपका मशीनीकरण फाल्स इंप्रेशन यानी कि छोटा प्रभाव नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं मीन मीन का जो करेक्ट सिनोनिम होगा आपका वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर एट में आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यानी कि एप्रियंस ओके और जो आपका ये मीन दिया है इसका जो मीनिंग होता है वो होता है आपका आकृति या फिर हाव भाव भी इसको कह सकते हैं आप नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन मॉलिफिकेशन मॉलिफिकेशन का मीन क्या होता है आपका मॉलिफिकेशन बोलते हैं शांति स्थापन या फिर शांत करना किसी को वो बोलते हैं मॉलिफिकेशन और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा सॉफ्टनिंग रफर्ड फीलिंग ओके यानी कि शांत करना किसी को क्वेश्चन नंबर टेन देखिए मोट मोट का मीनिंग होता है धूल धूल कण ओके और यहां पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी यानी कि स्पैक मोट का जो सिनोनिम होता है वो होता है स्पैक क्वेश्चन नंबर अलेवन देखिए आपका एमोलियोट रेट रेट का मीन्स क्या होता है इसे बोलते हैं आप उन्नति करना या फिर सुधारना प्रगति करना ओके okay? और यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा आपका इम्प्रूव मीन्स सुधारना डेट्रोइट होता है बिगाड़ना किसी चीज़ को मीडिएट होता है मध्यस्थता ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखिए एल जी इज ए फॉर्म ऑफ एल जी एक फॉर्म है किसकी तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी रिफ्लेक्टिव पोएट्री जो आपका एल जी होती है वो रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्टिव पोएट्री की ही एक फॉर्म होती है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन वर्ड्सवर्थ वॉज पॉपुलरली नोन एज द पोएट ऑफ वर्ड्सवर्थ जो थे वो जाने जाते थे किसके रूप में तो उनको जाना जाता था लेक डिस्ट्रिक्ट ओके ये लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से तीन पोइट्स को जाना जाता था, था, था आपके रॉबर्ट साउदे वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज इन तीनों का आपको लेक पोएट्स भी कहा जाता था, था इनको ओके okay? नेक्स्ट देखते हैं गिव वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन हार्ड टू प्लीज आपको एक वन वर्ड बताना है इसके लिए हार्ड टू प्लीज यानी कि जिसको ख़ुश करना बहुत ही मुश्किल हो उसको क्या बोलते हैं तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका फास्ट ईडियस ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा फास्ट ईडियस बोलते हैं जिसको खुश करना बहुत ही मुश्किल हो ओके okay? नेक्स्ट देखते हैं यू कैन ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन ऑफ देम यू कैन ऑलवेज डिपेंडेंट ऑफ देम ओके तो यहाँ पर आपको देखिए जो आपका अंडरलाइन वर्ड दिया गया है इसको आपको करेक्ट करके लिखना है अगर आपको लगता है कि करेक्ट है तो आपको ऑप्शन नंबर ई चूज़ करना है नो करेक्शन रिक्वायर्ड तो चलिए देखते हैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका डिपेंड के साथ ऑलवेज जो होता है ऑन चलता है किसी पर निर्भर होना ओके okay? बट यहाँ पे जो डिपेंडेंट है आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो राइट right ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए डिपेंड ऑन देम यू कैन ऑलवेज डिपेंड ऑन देम ओके राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नेक्स्ट देखते हैं सिक्सटीन इन विच सेंटेंस एज़ इज़ यूज एज कंजक्शन किस सेंटेंस में जो एज़ होता है वो एक कंजक्शन के रूप में यूज़ किया गया है इसमें तो यहाँ पे फोर ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपको इसमें बताना है कि इसमें ऐज़ को कंजक्शन के रूप में यूज़ किया गया है तो जो आपका एज होता है वो आपका कितने भी दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है ठीक है देखिए इसमें आपका पूरा सेंटेंस वी वर्कड एज फास्ट एज वी कुड नहीं है यहाँ पर दो सेंटेंस नहीं जुड़े आपके दो सेंटेंस का मीन्स होता है इधर भी आपका प्रॉपर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस वर्क प्लस ऑब्जेक्ट और दूसरी साइड भी ठीक है बी में भी आपका नहीं है सेम बट आपका देखिए सी में एज ही वॉज पुअर यद्यपि वो गरीब था आई हेल्प हिम इसलिए मैंने क्योंकि वो गरीब था इसलिए मैंने उसकी मदद की ठीक है ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका नेक्स्ट देखते हैं सेवेंटीन She asked him that why he was unwilling to go with her. सेवेंटीन में देखिए आपका यहाँ पे एक तरह से देखें तो आपका इनडायरेक्ट फॉर्म में आपको सेंटेंस दिया गया है और जब आपका किसी इंटारोगेटिव सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वहाँ पर आपका देखिए यहाँ से जो डब्ल्यू एच फैमिली से वर्ड बिलोंग करते हैं जो वो आते हैं तो उसके साथ हम कंजक्शन डेट को यूज़ नहीं करते हैं तो आपका यहाँ पर रोंग सेंटेंस दिया गया है एक तरह से ओके okay. बट uh, जो यहाँ पर अगर हम इसको डेट को रिमूव कर दें इसको यहाँ से तो आपका इसके अकॉर्डिंग जो सेंटेंस का ऑप्शन सही होगा वो आपका ए होगा वाई ही वाई ही वॉज ठीक है सोई आसक रही इसको एक तरह से भूल जाइए आप कि यहाँ पर डेट लगा हुआ है ठीक है सी आस्कम वाई ही वॉज अनविलिंग टू गो विद हर देखिए इस वाले बुक में आपके काफ़ी क्वेश्चंस जो है मिस प्रिंट करके दिए गए हैं क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट टाइम ये प्रिंट हुई है बुक तो काफ़ी इसमें आपको मिस्टेक्स है इसमें तो हम कोशिश करते हैं कि इसको सही से आपको एक्सप्लेन कर सकें बट uh, कभी कभार हो जाता है कि थोड़ा बहुत छूट जाता है तो आप प्लीज़ थोड़ा सा आप खुद भी मैनेज कर लीजिए कर लिए ठीक है क्वेश्चन नंबर एटीन देखिए द पैसिव वॉइस ऑफ गॉड हेल्प्स दोस्त हुल्प देम सेल्व इज़ पैसिव वॉइस बताना है आपको उसका गॉड हेल्प्स दोस्ल्प देम सेल्व्स कि गॉड भी उनकी ही हेल्प करते हैं जो अपनी हेल्प खुद करता है तो देखिए क्वेश्चन नंबर एट्टीन का करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी दोस्त हेल्प सेल्व्स आर हेल्प्ड बाई गॉड ओके यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा नाइनटीन देखिए द पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करनी है आपको सेंटेंस की यहाँ पर एवरी वन कंसिडर्स एजुकेशन टू बी ए प्राइम नेसेसिटी तो देखिए नाइनटीन में जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो होगा ए एजुकेशन इज कंसीडर्ड टू बी ए प्राइम नेसेसिटी ऑप्शन नंबर इज करेक्ट हेयर नेक्स्ट देखते हैं द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्क एक्सपीरियंस इज जो आपकी वर्ब एक्सपीरियंस उसकी जो नाउन फॉर्म है वो कौन सी है इसमें तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का राइट ऑप्शन आपका इसमें बी हो जाएगा सॉ सी हो जाएगा एक्सपीरियंस ठीक है आपका जो एक्सपीरियंस होता है ये इसका नाउन फॉर्म भी होता है ओके बट इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन देखते हैं इफ़ यू हैव पेड ओनली ट्वेंटी रुपीज़ फॉर दिस पर्स इट हैज़ रियली चीप यदि तुमने इस पर्स के लिए ट्वेंटी ट्वेंटी रुपीज़ पे किए हैं केवल तो यह बहुत ही सस्ता है इट हैज़ रियली चीप ओके सेंटेंस आपका प्रेजेंट में चल रहा है तो देखिए आप यहाँ पर और यहाँ पे जो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ट्वेंटी वन में वो होगा आपका बी इज़ रियली चीप इफ़ यू हैव पेड ओनली ट्वेंटी रुपीज़ फॉर दिस पर्स इज़ इट इज़ रियली चीप ठीक है क्योंकि पर्स से आपका सिविल हो तो यहाँ पर आपका इसमें हैज की जगह आपका इज़ यूज होगा ठीक है नेक्स्ट देखते हैं ए कलेक्शन ऑफ स्मॉल कलर्ड फ्लैग इज कॉल्ड एक स्मॉल और कलर्ड फ्लैग्स का कलेक्शन जो होता है उसको क्या कहते हैं तो इसको बोलते हैं आप बंटिंग ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा बंटिंग कहते हैं इसको ठीक है और आपका जो ट्रूप होता है वो होता है मंडली किसी का भी कुछ एक सदस्य की मंडली होती है उसको ट्रूप बोलते हैं और वो लैब जो बोलते हैं वो होता है एक जो अयास किस्म का व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं नेक्स्ट देखते हैं ट्वेंटी थ्री प्राटनिज्म वॉज ए रिएक्शन अगेंस्ट द तो जो प्रोटेनिज्म था एक रिएक्शन था किसके अगेंस्ट ये आपको चूज करना है ऑप्शन में से तो यहाँ ट्वेंटी थ्री का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका सी द एक्सेस द एक्सेस ऑफ द पोस्ट शेक्सपीरियन ड्रामेटिस्ट एंड द रिएक्शन द थिएटर्स वर क्लोज इन सिक्सटीन हंड्रेड फोर्टी टू ये जो था पोस्ट शेक्सपीरियन ड्रामेटिस्ट का एक्सेसिस था और रिएक्शंस था जो क्लोज हो चुके थे सिक्सटीन हंड्रेड फोर्टी टू में ठीक है उसका नेक्स्ट देखते हैं ट्वेंटी फोर फाइंड आउट द मिस बेल्ट वर्ड मिस बेल्ट वर्ड को फाइंड करना है यहाँ पे ट्वेंटी फोर में तो देखिए यहाँ राइट हो जाएगा आपका जो मिस बेल्ट दिया गया है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी इनके सोनरस तो सोनरस की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है एस ओ एन ओ आर ओ यू एस ये होती है आपकी करेक्ट स्पेलिंग इसकी और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है आपका मधुर या फिर आप इसको सुरीला भी कह सकते हैं मधुर या सुरीला ठीक है नेक्स्ट देखते हैं ट्वेंटी <coughs> फाइव इसमें आपकी जो करेक्ट स्पेलिंग होगी सॉरी मिस स्पेल्ड वर्ड जो है इसमें ट्वेंटी फाइव में वो है आपका ए एबोमौसम ओके एबोमोसम जो इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी वो होगी आपकी ए बी ओ एम ए एस यू एम ये होती है इसकी करेक्ट स्पेलिंग ठीक है और इसमें यहाँ पर आपको देखिए ओ दिया गया है तो ये आपका रॉन्ग है ये वर्ल स्पेलिंग यहाँ पर आपकी करेक्ट है ओके और ये आपकी रॉन्ग है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका नेक्स्ट देखते हैं ट्वेंटी सिक्स यहाँ पर आपकी मिस स्पेल्ड जो वर्ड जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक है और जो इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी वो होगी आपकी ए बी एस सी ई डबल एस ओके ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग होगी और इसको बोलते हैं फोड़ा नेक्स्ट देखिए फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग ठीक है वहाँ पे आपको मिस स्पेल चूज़ करना था और यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है आप फोर ऑप्शन में से तो यहाँ पे ट्वेंटी सेवन में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका सी होगा ए बी यू डबल बी एल ई -E. नेक्स्ट देखिए ट्वेंटी एट इसमें आपको एक्सिलेटर की स्पेलिंग चूज करनी है यहाँ तो देखिए एक्सेरेटर की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है ए डबल सी ई एल ई आर ए टी ओ आर एक्सिलरेटर ओके नेक्स्ट देखिए ट्वेंटी नाइन वॉट इज मीनड बाई पैरासोडी की जो का मीन्स क्या होता है इसमें ये आपको बताना है यहाँ ठीक है ट्वेंटी नाइन का जो करेक्ट होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इट इज़ साइंस ऑफ ऑल द थ्री मैंशन अबाव ठीक है जो एक साइंस होता है जो ऊपर भी थ्री मेंशन दे गए सबका ठीक है देखिए इट इज़ साइंस ऑफ वर्ड्स फॉर्म्स ओनली इट इज़ साइंस ऑफ पोइटिक मीटर्स ओनली एंड इट इज साइंस ऑफ रिदम्स ओनली ठीक है इसमें आपके सारे के सारे कवर हो जाते हैं ये नेक्स्ट देखते हैं आपका थर्टी द स्टडी ऑफ द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द स्पीकर इज़ स्टडी ऑफ द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ स्पीकर क्या होता है ये तो देखिए सिमेंटिक्स कॉम्प्रिहेंशन इथेमोलॉजी या प्रागमेटिक्स तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका प्रैग्मेटिक्स प्रैग्मेटिक्स इसको बोलते हैं नेक्स्ट देखते हैं ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टेलिंग द कंप्यूटर एक सेट होता है इंस्ट्रक्शंस का जो कंप्यूटर को बताया जा रहा होता है तो वॉट डू वॉट टू डू इज़ कॉल्ड इसको क्या बोलते हैं मैंटो इंस्ट्रक्टर कंपाइलर या फिर प्रोग्राम तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन प्रोग्राम्स को बोलते हैं आप नेक्स्ट देखिए व्हाट इज़ मीनड बाय रियोटो रियोटोरिक का मीन क्या होता है तो देखिए रियोटोरिक का मीन क्या होता है आपका आर्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली और इम्प्रेसिवली यूजिंग लैंग्वेज फॉर एक्जगेशन यूजिंग लैंग्वेज म्यूजिकली यूजिंग लैंग्वेज मेटाफोरिकली तो यहाँ पर करेक्ट होगा आपका ए आर्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली और इम्प्रेसिवली यह आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा इसको रियोटोरिक बोलते हैं नेक्स्ट देखिए इफ़ ही हैज़ टू स्पेंड फाइव आवर्स इन द क्वेर तो इट वॉज़ रियली अ वेस्टेज ओके यदि उसने लास्ट जो फाइव आवर्स थे उसके उसने लाइन में जो थे स्पेंड कर दिए वो तो इट वॉज़ रियली अ वेस्टेज ये सच में ही एक बहुत बड़ा वेस्टेज था तो इसको आपको बताना है कि जो अंडरलाइन वर्ड है ये आप में इसमें क्या मिस्टेक है कौन सी इसमें से ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा या फिर नो करेक्शन रिक्वायर्ड है इसमें तो देखिए थर्टी थ्री का राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इट इज़ रियली ए वेस्टेज ठीक है आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में चल रहा है यहाँ इफ़ ही हैज़ टू स्पेंड फाइव आवर्स इन द क्यू इट वॉज तो यहाँ पर वॉज नहीं आपका इट इज़ आएगा इट इज़ रियली ए वेस्टेज ठीक है आई होप वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें और जो लोग चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पैलाइकन को जरूर प्रेस कर लें नेक्स्ट देखिए थर्टी फोर द मोमेंट दे सामी दे वर डिलाइट वो क्षण जिसमें उन्होंने मुझे देखा दे व डिलाइट वो खुश थे ठीक है यहाँ पे भी आपका सेंटेंस जो है पास्ट में चल रहा है यहाँ देखिए पास्ट में चल रहा है तो आपको वर्ड डिलाइट की जगह आपको चूज करना है राइट ऑप्शन तो यहाँ पर देखिए आपका जो सेंटेंस है वो आपका पैसिव वॉइस में दिया गया है ऑलरेडी क्योंकि आपको पता है कि अगर वर्क के बाद हेल्पिंग वर्क के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आ रही है तो वो आपकी थर्ड फॉर्म में उसमें आएगी ठीक है तो यहाँ पर डिलाइट की जगह आपका डिलाइटेड होगा ऑप्शन नंबर बीस में करेक्ट हो जाएगा वर डिलाइटेड ओके नेक्स्ट व्हाट इज ए हीरोइक कॉपलेट हीरोइक कॉपलेट क्या होता है ठीक है हीरोइक कॉपलेट क्या होता है ये तो देखिए यहाँ पर राइट right ऑप्शन आपका हो जाएगा सी इट इज ए टू लाइन टाजा हैविंग टू ड्राइविंग लाइन्स इन आयंबिक पेंटोमीटर आइएम्बिक पेंटोमीटर में टू ड्राइविंग जो लाइन्स होती है हाँ ठीक है उसको बोलते हैं आप हीरोइक कॉपलेट नेक्स्ट देखिए वैन वॉस मिल्टन बॉर्न मिल्टन का जन्म जो था वो कब हुआ था तो जो मिल्टन का बर्थ था आपका ये वो था सिक्सटीन हंड्रेड एट में ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा और उनकी जो डेथ थी वो सिक्सटीन हंड्रड सेवेंटी फोर में हुई थी नेक्स्ट देखिए द थीम ऑफ द वर्ल्ड इज टू मच विदस इज़ जो थीम है द वर्ल्ड इज टू मच विदस की वो क्या है तो ये आपकी कौन सी थीम थी इसमें थी 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 ये थी आपकी कंडम्स ओके okay, ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट हो जाएगा और जो आपका द वर्ल्ड इज टू मच विद अस है ये आपका शेक्सपियर का एक वर्क है नेक्स्ट देखिए थर्टी एट चूज द करेक्ट ऑप्शन थर्टी एट में करेक्ट ऑप्शन इसमें चूज करना है द सीनरी ऑफ केरला मूव्स मी मोस्ट सीनरीज ऑफ केरला मूव्स मी मोस्ट या सीनरीज ऑफ केरला मूव मी मोस्ट या फिर रन ऑफ द अबाव तो देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीनरी ऑफ केरला मूव्स मी मोस्ट Uh, देखिए बाकी जो सेंटेंसेस हैं जो आपको उसका सीनरी का आपको सीनरीज कर दिया गया है और कभी भी सीनरीज नहीं बनता है सीनरी का ठीक है आपको उसको सीनरी ही रहता है सिंगुलर वो या फिर प्लूरल हो सीनरीज आप उसको नहीं कर सकते ओके okay? तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन इसमें ए ही हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं लास्ट समर द हीट ब्रॉट हंड्रेड्स ऑफ पीपल टू द ओशन ठीक है लास्ट समर द हीट विल हैव ब्रॉट हंड्रेड्स ऑफ पीपल टू द ओशियन लास्ट समर द हीट हैज़ बीन ब्रिंगिंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल टू द ओशियन तो देखिए थर्टी नाइन में भी आपका राइट right ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा लास्ट समर द हीट ब्रॉट हंड्रेड ऑफ पीपल टू द ओशन ठीक है देखिए जहाँ पर आपका लास्ट होगा लास्ट जहाँ भी लग जाए आपका last summer, last hour, last day, last week, लास्ट समर लास्ट आवर लास्ट डे लास्ट वीक या लास्ट मंथ ठीक है यहाँ पर आपका सीजन का बात हुआ है कि लास्ट समर तो जहाँ पे भी आपका यूज़ हो वहाँ पर आप हमेशा ही पास्ट इंडेफिनेट टेंस यूज़ करते हैं यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म आप उसमें यूज़ करेंगे ठीक है यहाँ पर आपका विल हैव ब्रॉट होगा हैज़ बिन ब्रोट ये आपके रॉन्ग हो जाएंगे तो इसलिए आपका थर्टी नाइन का जो राइट right ऑप्शन है वो ए ही हो जाएगा ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टी देखते हैं द नाउन फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव रेयर इज़ जो आपका वर्ड है रेयर इसकी नाउन फॉर्म आपको बतानी है क्या होती है ठीक है ये रेयर जो है एक एडजेक्टिव है और इसकी नाउन फॉर्म क्या होगी आपकी <coughs> तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी रेयरिटी ओके ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं गिव द राइट सफिक्स फॉर द वर्ड प्रिंस टू मेक इट एन एडजेक्टिव जो आपका वर्ड है प्रिंस इसको आपको एडजेक्टिव बनाने के लिए इसमें राइट right सफिक्स को ऐड करना है कौन सा इसमें सफ़िक्स लगेगा ओके okay? यानी कि इसके बाद में हम क्या जोड़ेंगे सफिक्स बोलते हैं जो आप वर्ड के लास्ट में लगे और जो पहले यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं प्रीफिक्स ओके तो यहाँ पर आपका राइट right ऑप्शन हो जाएगा फोर्टी वन में बी लाइक प्रिंस लाइक ठीक है ये वर्ड बन जाएगा आपका पी आई आर एन सी ई एल आई के ई प्रिंस लाइक ठीक है और ये इस तरह से आपका एडजेक्टिव बन जाएगा नेक्स्ट देखते हैं वेयर फ्रॉम वर्ड्स बिलो कोटेड लाइन्स आर टेकन वर्ड्स की जो लाइन्स है ये कहाँ से ली गई हैं तो देखिए फोर्टी टू का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये लाइन से आपकी पहले लाइन्स देख लेते हैं हम नो नाइटिंग डिट एवोचेंट मोर वेलकम नोट्स टू वियर बेंड्स ये आपकी लाइनर ली गई है सोलिट्री रीपर से ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाय दियर रिबेलियन फ्रॉम द बुक ऑफ लाइफ नोर हैड येट अमंग द सन्स ऑफ इीज लाइन्स ओकर इन ये लाइनें आपकी कहाँ से ली गई हैं ये आपको बताना है ठीक है पेरी क्वीन द ट्रेवलर द रेप ऑफ द लोक ये फिर Paradise Lost. तो पर पैराडाइज लोस्ट तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी यानी कि पैराडाइज लोस्ट पैराडाइज लोस्ट से ये लाइने ली गई हैं और आपका जो पैराडाइज लोस्ट है वो मिल्टन के द्वारा लिखा गया है इन्होंने ये सिक्सटीन हंड्रेड सिक्सटी फाइव में इसको जो है कंप्लीट कर लिया था बट इसको पब्लिश किया था सिक्सटीन हंड्रेड सिक्सटी सेवन में ओके नेक्स्ट देखते हैं फोर्टी फोर हु इज़ द क्वीन इन किंग रिचर्ड सेकेंड किंग रिचर्ड सेकेंड में जो है क्वीन कौन थी तो यहाँ पे राइट right ऑप्शन हो जाएगा आपका इसाबेल राइट ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव ग्लोब थिएटर वॉज बर्न ड्यूरिंग ए परफॉर्मेंस ऑफ जो ग्लोब थिएटर था वो किस प्ले की परफॉर्मेंस के दौरान जो है जल गया था उसमें आग लग गई थी तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा आपका वो हो जाएगा डी हेनरी एट की जो परफॉर्मेंस उसमें हो रही थी उस वक्त जब उसमें आग लगी और वो जल गया ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका नेक्स्ट देखते हैं वॉट इज मीट बाई एनजम्प्ट कॉपलेट्स एनजम्प्ट कॉपलेट्स से आपका क्या मतलब है ठीक है ये बताना है यहाँ पे ये पूछ रहा है इस वाले सेंटेंस क्वेश्चन में तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स का राइट right ऑप्शन आपका हो जाएगा बी द कॉपलेट्स इन विच द सेंस रनस ऑन फ्रॉम वन कॉपलेट टू अनदर ठीक है उसको बोलते हैं आप एनजम्प्ट कॉपलेट्स ठीक है यानी कि एक कॉपलेट जिसमें जो सेंस होता है वो दौड़ता है एक कॉपलेट से दूसरे में ठीक है उसको आप एनजेम्ड कॉपलेट बोलते हैं नेक्स्ट देखिए फोर्टी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स ऑफ जॉन मिल्टन पोएम इज करेक्ट इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इनमें से कौन सा जो है जॉन मिल्टन की कौन सी पोएम का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इसमें करेक्ट है तो so, देखिए यहाँ फोर्टी सेवन का राइट right ऑप्शन हो जाएगा आपका बी इनकी ऑड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट्स नेटिविटी सबसे पहले इनकी ये वाली पोएम आई फिर आई इनकी ऑन द अराइव ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ ट्वेंटी थ्री आफ्टर दैट पैराडाइज लोस्ट एंड फिर आपकी आई सैमसन एगोनिस्ट ओके नेक्स्ट देखते हैं फोर्टी एट क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट में देखिए प्रिसेप्ट प्रिसेप्ट आपका पूछा है और प्रिसेप्ट का मीनिंग क्या होता है आपका प्रिसेप्ट बोलते हैं आप किसी चीज के निर्देश ओके okay? निर्देश या फिर आप इसको कह सकते हैं आज्ञा आगे बोल सकते हैं यहाँ पर निर्देश ठीक है तो फोर्टी एट का राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा बी यानी कि रूल ऑफ कंडक्ट ओके रूल ऑफ़ कंडक्ट इसको बोल सकते हैं आप नेक्स्ट देखते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को चूज़ करना है तो क्वेश्चन देखते हैं फोर्टी नाइन हीज एल्डर ब्रदर गिव हिम मैनी गुड एडवाइस उसके जो बड़ा भाई है उसने उसको काफ़ी सारी अच्छी एडवाइस दी तो चलिए फोर्टी नाइन में देखते हैं कौन सा राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे तो इसमें जो है नेक्स्ट में देखते हैं हिज एल्डर ब्रदर गिव हिम मैनी गुड एडवाइसिस और हिज एल्डर ब्रदर गिव हिम मैनी गुड एडवाइसिस ठीक है तो देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका ए ही हो जाएगा क्योंकि हिज़ एल्डर ब्रदर गिव हिम मैनी गुड एडवाइस ठीक है कभी भी एडवाइस को आप एडवाइसिस नहीं कर सकते इसको ठीक है यहाँ पर राइट ऑप्शन इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी ही इज कमिंग टू विजिट अस फॉर एन आवर ओनली नेक्स्ट ही इज कम टू विजिट अस फॉर एन आवर ओनली फिर ही इज कमिंग टू विजिट अस फॉर ए आवर ओनली ओके तो देखिए यहाँ फिफ्टी में जो राइट right ऑप्शन होगा आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही इज कमिंग टू विजिट अस फोर एन आवर ओनली ओके क्योंकि आपका आवर के पहले आप यहाँ पर एन यूज़ करेंगे इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला और इसमें आपका एन इसमें भी यूज़ हुआ है बट यहाँ पर देखिए आपका हीस इस, इसके बाद आपकी जो वर्ब है वो कम नहीं कमिंग कम आएगी आई एन जी फॉर्म इसमें आएगी तो इसलिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा आपका और सी ऑप्शन में आपके आवर के पहले ए दिया गया है इसलिए ये वाला भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही इसमें करेक्ट होगा नेक्स्ट देखते हैं फिफ्टी वन वर्ड्सवर्थ रोड ए सोनेट लंडन एटीन हंड्रेड टू ऑन वर्ड्सवर्थ ने एक सोनेट लिखा था लंडन एटीन हंडर्ड टू ये किसके लिए लिखा था इन किस पर तो ये लिखा था इन्होंने मिल्टन पर ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा फिफ्टी वन में ये इनका डेडिकेटेड था मिल्टन को क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू इन मिल्टन दियर इज ऑलवेज एन अपियरेंस एफर्ट इन शेक्सपियर स्कास्टी एनी दिस रिमार्क हैज़ बीन मेड बाय ये रिमार्क किसके द्वारा दिया गया है ठीक है तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा होगा आपका ऑप्शन वो हो जाएगा सी विलियम हेजलिट का रिमार्क है ये नेक्स्ट वेयर डज द ओपनिंग सीन ऑफ रिचर्ड प्लेस जो रिचर्ड प्लेस है उसका जो ओपनिंग सीन है वो कहाँ हुआ था तो ये हुआ था आपका पिंसोर कैसल में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है आपका चेंज द नरेशन ठीक है नरेशन में चेंज करना यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको तो देखिए आपका ऑप्शन जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको यहाँ पर दिया गया है ही सेट विल यू लिसन टू सच ए मैन यहाँ पर जब कोई भी आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो उसके जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं उसको हटाकर आप इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं एक ही जो एक ही इसमें रखेंगे इफ़ या वेदर कुछ भी रख सकते हैं तो देखिए आपका पहला वाला जो ऑप्शन दिया गया है उसमें इफ़ है या ना ही वेदर है तो ये आपका रोंग हो जाएगा इसको हटा देंगे आप लाइन से सेकंड में भी सेम है आपका इसमें भी इफ या वेदर नहीं दिया गया है तो सेकंड भी आपका बिल्कुल रेस से बाहर हो जाता है थर्ड में देखते हैं ही आस्म वेदर ठीक है यहाँ पर दिया गया है आपका वैदर दे वुड लिसन टू सच ए मैन ओके और यहाँ नेक्स्ट में देखिए आपका क्या गलती है देखिए विल आपका एज इट इज़ दिया गया बल्कि विल को आपको वुड करना होगा क्योंकि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो प्रेजेंट वाली वर्ब आपकी पास्ट में चेंज हो जाती है ओके तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका नेक्स्ट देखते हैं ही सेड आई हैव ऑफन टोल्ड यू नोट टू वेस्ट योर टाइम उसने कहा आई हैव ऑफन टोल्ड यू कि मैंने आपको कितनी बार बताया नोट टू वेस्ट योर टाइम अपना समय बर्बाद मत करो ठीक है तो यहाँ पर देखिए फिफ्टी फाइव का जो करेक्ट हो जाएगा वो होगा आपका बी ऑप्शन ही सेट दैट ही हैड ऑफन टोल्ड हिम नोट टू वेस्ट हिज टाइम राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा इसमें चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका फिफ्टी सिक्स आई सेट टू माई ब्रदर लेट्स गो टू सम हिल स्टेशन फॉर ए चेंज चेंज के लिए किसी हिल स्टेशन चलते हैं ठीक है तो देखिए यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस दिया गया है और राइट right ऑप्शन इसमें आपका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट वी शुड गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज ओके नेक्स्ट फिफ्टी सेवन हुई सेकंड रिचार्ड सेकेंड में ये लाइन है कौन कहता है दे लव नॉट पॉइजन दैट डू पॉइजन नीड तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी यानी कि बॉलिंग ब्रॉक ये राइट ऑप्शन होगा आपका इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिफ्टी एट फॉर विच पोएम ऑफ कॉल वर्ड्स वर्थ चार्ल्स लेम रोड वर्ड्स वर्थ की कौन सी पोएम के लिए चार्ल्स लेम ने लिखा है कि दो ही लाइक द पोएम सब्जेक्ट यद्यपि वो पोएम का जो सब्जेक्ट है उसको लाइक करते हैं आई कैन नॉट से दैट द स्टाइल ऑफ इट क्वाइट सेटिस्फाइज मी इट इज़ टू लिरिकल कि वह यह नहीं कह सकते कि उसकी जो शैली है उसको वो भी मुझे संतुष्ट करती है इट इज़ टू लिरिकल ये बहुत ज़्यादा लिरिकल है ओके okay? तो वर्ड्स वर्थ की कौन सी पोइम के लिए इन्होंने चार्ल्स लैम ने ये रिमार्क दिया था तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा आपका सी पीटर बेल पीटर बेल के लिए इन्होंने ये बोला था आपका नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज एलेक्जेंड्राइन अलेक्जेंड्राइन क्या होता है तो आपका जो अलेक्जेंड्राइन होता है यहाँ पर राइट right ऑप्शन आपका बी हो जाएगा ये एक लाइन होती है सिक्स आई फीट में ओकेजनल यूज इन हीरोइक कॉपलेट जो हीरोइक कॉपलेट में आप यूज़ करते हैं और सिक्स लाइन की सिक्स एम्बिक फील्ड्स इसमें होते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट देखिए अबाउट लिसिदास लिसिदास के बारे में इट इज़ सेड यह कहते हैं कि द रियल सब्जेक्ट ऑफ द पोएम इज़ जॉन मिल्टन हिमसेल्फ हु स्टेटेड इट कि जो इसका जो मेन सब्जेक्ट है रियल सब्जेक्ट है इसका वो जॉन मिल्टन खुद है तो ये किसने कहा था तो ये इनके बारे में बुश ने बोला था राइट ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट देखिए फिर से चेंज द नरेशन डायरेक्ट से इन डायरेक्ट में आपको फिर से चेंज करना है और सिक्सटी वन में आपका देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन में द ट्रेवलर एंक्वायर्ड ऑफ द फार्मर इफ़ यू कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन तो यहाँ पर देखिए सिक्सटी वन में राइट right ऑप्शन आपका जो है uh, देखते हैं अभी इसमें जो है आपका सेंटेंस ऑलरेडी इनडायरेक्ट में दिया है इसको आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करना है ठीक है तो यहाँ पर जो आपका राइट हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन द ट्रेवलर सेड टू द फार्मर कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन क्या आप मुझे जो यहाँ पर नियरेस्ट इन है उसका रास्ता मुझे बता सकते हैं ओके okay. इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सिक्सटी um, टू देखते हैं इफ़ यू डोंट कीप क्वाइट आई शैल शूट यू यदि तुम चुप नहीं होते तो मैं तुम्हें शूट कर दूँगा ही सेड टू हर इन ए काम वॉइस उसने एक शांत वाली वॉइस वा में उसको कहा तो देखिए यहाँ सिक्सटी टू का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा सी ही he वॉन्ट हर कामली उसको उसने बड़ी शांति से वॉन किया दैट ही वुड शूट हर इफ शी कुड शी डिड नॉट कीप क्वाइट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिक्सटी थ्री हु इज बेस्ट नोन एज द फाउंडर ऑफ द टेटलर एंड द स्पेक्टेटर टेटलर और स्पेक्टेटर का जो फाउंडर है वो उसके लिए किसको जाना जाता है तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सर रिचर्ड स्टीले को ओके नेक्स्ट देखते हैं डूरिंग द एज ऑफ मिल्टन ड्रामा वॉज मिल्टन की एज के दौरान ड्रामा क्या था ड्रामा को रिफ्यूज बाई दीपल डेवलप्ड टू द पीक डेक्लाइंट ये मेकिंग ग्रेजुअल प्रोग्रेस टू एंडरिच द स्टैंडर्ड्स तो देखिए यहाँ सिक्सटी फोर में जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका सी डेक्लाइन मिल्टन की एज के दौरान ड्रामा को डेक्लाइन कर दिया गया था नेक्स्ट हु इज प्रोस्पैरो द टेम्पेस्ट टेम्पेस्ट में जो प्रोस्पैरो है वो कौन है ड्यूक ऑफ मिलान इस लीव इफ ए किंग ऑफ नेपल्स इफ मैरिनर तो देखिए राइट right हो जाएगा आपका वो ड्यूक ऑफ मिलान है इसमें द टेम्पेस्ट में नेक्स्ट देखते हैं हु रोट डांटे एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ड बिटवीन दैम किसने कहा कि डांटे और शेक्सपियर ने मॉडर्न वर्ल्ड को उन, उनके बीच में जो था डिवाइड कर दिया था देयर इज नो थर्ड कोई भी तीसरा नहीं है इसमें तो जो स्टेटमेंट है ये आपका इलेट के द्वारा दिया गया था डी एस इलेट के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट आपका नेक्स्ट देखते सिक्सटी सेवन हु प्रीफर्ड शेक्सपियर्स कॉमेडीज टू ट्रेजिडीज़ किसने सिक्सपियर की जो कॉमेडी को प्रेफर किया उसकी ट्वेल्थ डी से तो ये थे आपके डॉक्टर जॉनसन राइट ऑप्शन ए हो जाएगा इसका नेक्स्ट देखिए हु सिंग्स दिस सॉन्ग इन द टेम्पेस्ट सिटिंग ऑन ए बैंक वीपिंग अगेन द किंग माई फादर्स रैक दिस म्यूजिक क्रैप्ड बाय मी अपॉन द वॉटर आई लाइंग बोल्थ दियर फ्यूरी एंड माई पैशन ये जो सॉन्ग था किसने गाया था तो यहाँ पर देखिए आपका राइट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा एरियल के द्वारा गया, गया। सोंग था ये नेक्स्ट देखिए ही इज बट ए पुअर फ्लोर्स पर हु होल्ड्स ए व्यू सो टू एक्सक्लूड फॉर्म्स नोट टू हिज पर्सनल टेस्ट हु सेड किसने ये कहा तो देखिए सिक्सटी नाइन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका डी जॉन गैल्स दी ओके सेवनटी देखिए वॉट इज टेरजर रीमा टेरजर रीमा क्या है तो देखिए टैरजा रीमा जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सी टैरजा रीमा इज ए रन ऑन थ्री लाइन स्टांजा विद ए फिक्सड राइम स्कीम ये थ्री लाइन का स्टांजा होता है उस पर तो रन करता है और इसकी एक राइम स्कीम जो होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है उसको बोलते हैं आप टैरजा रीमा नेक्स्ट देखिए सो रेयर ए वंडरफुल फादर एंड ए वाइज मैन मेक दिस प्लेस ए पैराडाइज हु सेड दिस इन द टेम्पेस्ट टेम्पेस्ट में ये लाइने किसने कही हैं तो जो लाइन है आपकी के द्वारा टेम्पेस्ट में कही गई है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू हूज अवेकन अलाउंसो फ्रॉम स्लीप इन को कौन जगाता है उसकी स्लीप से टेम्पेस्ट में तो देखिए यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सेवेंटी टू में वो जाएगा यानी कि गों को उसको जगाता है नेक्स्ट देखिए इन विच ऑफ इज ट्रैक्ट ड मिल्टन सी ही हु डेस्ट्रॉयज ए गुड बुक किल्स रीजन इट सेल्व किल्स द इमेज गोड एज इट वर इन द आई सेवनटी थ्री में जो राइट हो जाएगा वो होगा आपका बी यानी कि एरोपेजडी का ऑप्शन नंबर बीस में करेक्ट हो जाएगा आपका सेवेंटी फोर देखते हैं हु डिसप्रूव ऑफ मिल्टन लिसीदास फॉर इट्स इनहेरेंट इन प्रोबेबिलिटी मिल्टन का जो डिस दास था उसको किसने डिसअप्रूव कर दिया इसके इनहेरेंट इनप्रोबेबिलिटी के लिए तो सेवेंटी फोर का कर, करेक्ट ऑप्शन सैमुअल जॉनसन हो जाएगा आपका सैमुअल जॉनसन ने इसको डिसअप्रूव कर दिया था नेक्स्ट देखिए पैराडाइज रिगेंट थीम वॉज टेकन फ्रॉम पैराडाइज रिगेंट की जो थीम है वो कहाँ से ली गई थी तो ये आपकी ल्यूक्स कोस्पल से आपकी थीम ली गई है और पैराडाइज रिगेंट कब लिखा गया आपका पैराडाइज रिगेंड रहता है सिक्सटीन हंड्रेड सेवेंटी वन में नेक्स्ट देखिए हेयर आई स्टैंड यो स्लेव ए पुअर इनफॉर्म वीक एंड डेस्पिस्ड ओल्ड मैन फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन शेक्सपियर के कौन से प्ले से ये लाइनें ली गई हैं तो सेवेंटी सिक्स का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका ए किंग लियर किंग लियर की लाइनें ये हैं नेक्स्ट देखिए हु डिस्क्यूज हिमसेल्फ एज ए बेल्डम बैगर बेल्डम बैगर के रूप में किसने खुद को जो है उसका वेस्ट लिया हुआ था बेल्डम बैगर का तो सेवेंटी सेवन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो होगा बी एडगर ओके okay, एडगर ने ये किया हुआ था नेक्स्ट देखिए फोर्ट इज रॉम रॉयल स्टांजा राम रॉयल स्टांजा क्या है तो सेवेंटी एट का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तो होगा आपका बी राइम रॉयल स्टांजा इसे सेवन लाइन स्टांजा इन आयम्बिक पेंटामीटर ये आइएम्बिक पेंटामीटर में होता है और इसमें सेवन लाइन्स होती है इसको बोलते हैं आप रोयल टांजा नेक्स्ट देखिए वॉट इज ऑटेवा रीमा ओटेवा रीमा क्या होता है तो सेवेंटी नाइन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये होगा ए इट इज एन एट लाइन टाजा इन पेंटामीटर विद ए विदिक्स ट्राइम स्कीम फिक्स ट्राइम स्कीम के साथ होता है आई एम्बिक पेंटामीटर जो एट लाइन टांजा में होता है ठीक है नेक्स्ट देखिए ए इन विच ऑफ द फॉलोइंग डस रिपोर्ट द एंड ऑफ दस्ट तो देखिए राइट ऑप्शन आपका नेक्स्ट देखिए हु इज एडम इन किंग लियर किंग लियर में जो है एडमेंट कौन है किंग so, लियर था इसमें जो एडमेंट है वो द बास्टर सन ऑफ द आय ऑफ क्लोसेस्ट

तो देखिए जो स्पेन्न स्टांजा होता है ये एक नाइन लाइन का स्टांजा होता है कंसिस्टिंग ऑफ टू क्वार्टिन इन आयम्बिक पेंटामीटर इसमें टू क्वार्टेंस होते हैं आपके आयम्बिक पेंटामीटर में राउंडेड ऑफ विद एन अलेक्सैन ड्राइंग ठीक है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट देखिए इन विच डस कर्ल्स वर दी इलस्ट्रेट द ब्रेकिंग डाउन ऑफ इनहिबिशन एंड बैरियर्स एज द रिजल्ट ऑफ द वॉर कौन से नॉवल में कर्ल्स वर्दी ने वर्णन किया है वॉर के जो रिजल्ट था उसका बरियरस और इसके इन इनिबिशंस inhib okay? का के ब्रेकिंग डाउन का ओके तो देखिए 84 फोर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका ए सेंट्स प्रोग्रेस सेंट प्रोग्रेस में इसमें ये इन्होंने किया है नेक्स्ट देखिए द फाइनेस्ट ऑफ गर्ल्स वर्दीज लेटर लेटर ड्रामाज इज़ गर्ल्स वर्दी के जो लेटर ड्रामाज थे वो कौन से थे फाइनेस्ट तो एट्टी फाइव का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी लॉयल्टीज़ लोरिटीज जो था आपका नाइनटीन हंड्रेड ट्वेंटी टू में आया था नेक्स्ट देखते हैं एट्टी सिक्स वॉट इज ब्लैंक वर्स ब्लैंक वर्स क्या है तो देखिए क्वेश्चन नंबर एट्टी सिक्स का राइट right ऑप्शन आपका हो जाएगा पी ब्लैंक वर्स हैज़ नो मीटर बट हैज़ ए मीटर बट नो राइम जो ब्लैंक वर्स होता है इसमें आपकी मीटर तो होता है बट इसमें राम जो राइम होती है राइम स्कीम वो फॉलो नहीं की जाती है उसको हम ब्लैंक वर्स बोलते हैं नेक्स्ट देखिए विच पार्ट ऑफ ए मिल्टोनिक सोनेट इज़ कॉल्ड ऑक्टिव मिल्टॉनिक सोनेट के कौन से पार्ट को ऑक्टिव <coughs> कहा जाता है <coughs> तो देखिए एटी सेवन का राइट right ऑप्शन आपका हो जाएगा ए द फर्स्ट एट लाइन्स ऑफ ए सोनेट जो सोनेट की सबसे पहली एट लाइन्स होती है उसको बोलते हैं ऑक्टिव ओके और सोनेट जो है होता है आपका फोर्टीन लाइन्स का होता है पहली एट तो इसमें जो होती है मिल्टोनिक सोनेट में वो ऑक्टिव होती है बाद की जो सिक्स लाइन होती है उसको बोलते हैं सेस्टेट ओके नेक्स्ट देखिए हु सेज दिस टू होम इन किंगलियर कौन किंगलियर में और किससे कहता है ये विटनेस द वर्ल्ड दैट आई क्रिएट दी हेयर माई लोड एंड मास्टर तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका ए रेगन टू एडमंड रेगन ये एडमंड से बोलती है किंग्लियर में नेक्स्ट विस्टर अपियर सीन विस्टर कहाँ पर अपियर होता है कौन से प्ले में तो देखिए ये हो जाएगा आपका जस्टिस जस्टिस में आपका विस्टर अपीयर होता है नेक्स्ट देखिए विंसर एंड जैकब ट्विस्टन आर द कैरेक्टर्स इन द प्ले विंसर एंड जैकब ट्विस्टन आर द कैरेक्टर्स इन द प्ले कौन से प्ले में वाले कैरेक्टर हैं आपके तो जो नाइन्टी का करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी लॉयल्टीज क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन देखिए व्हाट इज़ ए सिम्बली सिम्बली क्या है तो जो नाइन्टी वन है इसमें सिम्बली पूछा गया है क्या होता है ये यह? यहाँ पर आपका राइट right ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि इट इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट कॉमन जो सिम्बली होता है ये टू थिंग्स के बीच में कंपैरिजन होता है जिसमें एटलीस्ट वन पॉइंट कॉमन होता है उसमें ओके okay? और उसका कंपैरिजन इसमें किया जाता है नेक्स्ट देखिए वी ओल कट इच अदर्स थ्रोड्स फ्राम द बेस्ट ऑफ मोटिव्स वेयर डज दिस इट अपेयर जो लाइने हैं कहाँ पर अपेयर हुई है तो नाइन्टी टू में करेक्ट हो जाएगा आपका सी लॉयल्टीज की ये है, लाइनें हैं और लॉयल्टीज प्ले आपका गर्ल्स वर्दी के द्वारा लिखा गया है नेक्स्ट देखिए ए यंग वुमेन किल्स हर ओन इलेजिटिमेट चाइल्ड टू एस्केप सोसाइट सोशल टायरनी दिस हैपन्स इन द प्ले कौन से प्ले में ये होता है कि एक औरत अपने ही इलेजिटीमेट बेटे को मार देती है समाज के तानों से बचाने के लिए तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा विंडोज़ में ऐसा होता है और विंडोज आपका गर्ल्स वर्दी के द्वारा लिखा गया ही एक प्ले है नाइन्टी फोर देखिए वॉट इज ए मेटाफोर मेटाफोर क्या होता है तो मेटाफोर में भी आपका कंपैरिजन ही होता है इसमें तो देखिए एंड राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा मेटाफोर इज़ ए कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ सिमली जो सिमली होता है कुछ उसके जैसा ही होता ही है ये ठीक है बट इसमें आप एस और लाइक और सो जैसे वर्ड आप इसमें इस्तेमाल नहीं करते जैसा कि सिमली में होता है नेक्स्ट है गिव द सिनोनिम ऑफ सिनोनिम देना है आपका रिकाउंट रिकाउंट क्या होता है आपका रिकाउंट बोलते हैं पुनर्गणना इनके दोबारा गणना करना किस चीज़ की फिर से गिनती करना और इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा सी ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा टू टेल इन डिटेल ओके नेक्स्ट स्टेप नाइन्टी सिक्स रेंडर रेंडर किसको बोलते हैं रेंडर का मीन्स होता है आपका देने वाला यानी कि किसी को कुछ अर्पित कर देना ठीक है उसको बोलते हैं रेंडर और यहाँ पर राइट right ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रोवाइड ऑप्शन नंबर डी ठीक है प्रोवाइड हो जाएगा इसका वेन बोलते हैं आपका ढलना या घटना कुछ नेक्स्ट द एंटोनिम ऑफ पेस इज पेस वर्ड का आपको एंटोनिम देना है और पेस किसको बोलते हैं गति या फिर चाल यानि कि आगे बढ़ना और आपका इसका एंटोनिम हो जाएगा पीछे यानी कि रिट्रीट पीछे हटना उसको बोलते हैं रिट्रीट नेक्स्ट नाइन्टी एट आई हैव लिटिल अपॉर्चुनिटी डेस्ट हियरिंग गुड म्यूजिक तो यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है नाइनटी एट का कैरेक्ट हो जाएगा आपका सी आई हैव लिटिल अपॉर्चुनिटी फॉर हियरिंग गुड म्यूजिक ठीक है मेरे पास गुड म्यूजिक सुनने के लिए अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी नहीं है नेक्स्ट देखते हैं ही हैज़ ए पारशलिटी डैश चाइनीज क्विजाइन उस ही हैज़ ए पार्शलिटी तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका ये हो जाएगा फोर फॉर चाइनीज क्वाइन नेक्स्ट देखिए ही इज़ फील्ड डैश पैशन फॉर इज सेक्रेटरी यहाँ पर राइट right होगा आपका विद फील्ड विद पैशन ओके फील्ड के साथ आप यहाँ पर विद यूज़ करेंगे नेक्स्ट देखिए आई फील पी टी डैश द रिफ्यूजी मुझे जो रिफ्यूजी होते हैं उन पर दया आती है तो यहाँ देखिए वन हंड्रेड वन में आपका करेक्ट होगा फोर आई फील पी टी फॉर द रिफ्यूजी नेक्स्ट देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर पंक्चुएटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस सेंटेंस को पंक्चुएट करने के बाद राइट ऑप्शन चूज करना है देखिए सेंटेंस गया है ट्रूली ए पॉपुलर एरर हैज एज मैनी लाइफ एज ए कैट इट कम्स वर्किंग इन लॉन्ग आफ्टर यू हैव इमेज इट इफेक्चुअली स्ट्रेंजर्ड तो देखिए इसको पंक्चुएट करने के बाद आपका जो वन हंड्रेड टू का जो राइट right ऑप्शन हो जाएगा वो होगा डी देखिए ट्रूली यहाँ पे कॉमा आएगा ए पॉपुलर एरर हैज ए मैन हैज मैन लाइफ एज ए कैट यहाँ पे आप कोलम यूज करेंगे इट कम्स वर्किंग इन फिर से कॉमा लॉन्ग आफ्टर यू हैव इमेजेंड इफ इफ एक्चुअली स्ट्रेंजर्ड ओके नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन का कौन इसमें से एक एग्जाम्पल जो है शो करता है तो देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हिज इन्वेस्टमेंट्स फील्ड एंड ही लॉस टू द फैमिली नेस्ट एग ओके ये आपका आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन है ओके तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें द इडियम हर्ष मनी हर्ष मनी मीन्स इसका क्या होता है डिम का मीन्स हर्ष मनी का तो ये हो जाएगा आपका वन हंड्रेड फोर में करेक्ट ऑप्शन बी द ब्राइब पेड टू कीप सम मैटर सीक्रेट यानी कि किसी सीक्रेट uh, मैटर को छुपाने के लिए जो रिश्वत दी जाती है उसको बोलते हैं हर्ष मनी नेक्स्ट देखिए व्हाट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ईडियम टू बैंड यूर एल्बो टू बैंड यूर एल्बो इसका मीनिंग आपको बताना है क्या होता है तो वन हंड्रेड फाइव का राइट right ऑप्शन हो जाएगा आपका ए टू ड्रिंक एल्कोहल ओके नेक्स्ट देखिए द मीनिंग ऑफ द इडियम कडल योर ब्रेन इज कडल योर ब्रेन इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर राइट right हो जाएगा आपका डी यानी कि थिंक हार्ड अबाउट ए प्रॉब्लम किसी एक प्रॉब्लम के बारे में थिंक हार्ड थिंक करना ओके नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टू मीट समवन हाफ वे तो इसका मीनिंग आपको बताना है टू मीट समवन हाफ वे ओके तो जे वन हंड्रेड सेवन जो है इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट होगा okay? आपका डी मेक ए कम्परा कॉम्प्रोमाइज विद समवन मेक ए कॉम्प्रोमाइज विद समवन ओके डी ऑप्शन इसमें यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका वन हंड्रेड एट देखते हैं हैड वी बट वर्ड एंड एंड टाइम दिस कॉइनिस लेडी फॉर नो क्राइम दिस स्टेटमेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ये जो स्टेटमेंट है आपका किसका एग्जाम्पल है ये एक तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका ए आयरनी यहाँ पर आपका आयरनी का एग्जाम्पल ये दिया गया है वन हंड्रेड नाइन ए स्पेंसेरियन स्टांजा हैज़ एक स्पेंसेरियन स्टांजा होता है इसमें क्या होता है देखिए अभी भी, भी क्वेश्चन आया था थोड़ी देर पहले भी आपके पास ही यहाँ तो वन हंड्रेड नाइन का राइट ऑप्शन होगा आपका सी एट आयम्बिक पेंटामीटर्स इसमें आपके होते हैं ठीक है देखिए एग्जाम में आपके कम से कम आपके लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था आपका टी का उसमें टेंथ से फिफ्टीन क्वेश्चन तक आपके जो थे इससे लिटरेरी टर्म्स से पढ़े थे आपके और आपकी काफ़ी फॉर्म्स भी उसमें पूछी गई थी क्योंकि दस से पंद्रह मार्क्स आपको इसमें ऐसे ही मिल जाएंगे ओके और अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न रह रह जाता है तो आप ऑप्शन में गलत कर देते हैं कई बार तो आपको जो फॉर्म्स हैं और लिटरेरी टर्म्स हैं आपको अच्छे से लर्न करनी है ठीक है आप हम इस पर आपके लिए एक वीडियोस भी अलग से लेकर आएंगे जिसमें आपको प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन कराएंगे हम आपके लिए ओके okay? तो नेक्स्ट देखते हैं वन हंड्रेड टेन प्लेगरिज्म इज ए वेल नोन वर्ड एंड कंसेप्ट इन अकेडमिक सर्कल्स द वर्ड प्लेगरस इन लेटिन हाउ एवोर मीन तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा आपका वन टेन में वो हो जाएगा आपका डी ए टॉर्चरर ए प्लडरर ओके जो प्ले होता है एक वेल नोन वर्ड होता है जिसमें एक अकेडमिक सर्कल्स का कंसेप्ट होता है एंड uh, इसमें जो इसका मीनिंग होता है वो होता है टॉर्चर और प्लंडर। नेक्स्ट देखते हैं टू द मेमोरी ऑफ माय बिलव्ड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर एंड व्हाट ही हैथ लेफ्ट अस इज एन ओड कंपोस्ट बाय तो यहाँ पर राइट होगा आपका बेन जॉनसन बेन जॉनसन के द्वारा ये ओड कंपोज किया गया है वन ट्वेल्व मिस्ट्री एंड मरेकल प्लेस इन इंग्लिश वर् बेस्ड ऑन मिस्ट्री और मरैकल प्लेस जो है इंग्लिश में वो किस पर बेस्ड है तो देखिए वन ट्वेल्व में आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बाइबलिकल स्टोरीज़ पर ओके okay? तो नेक्स्ट देखते हैं वन थर्टीन द टर्म वुमेनज्म वॉज फर्स्ट यूज बाई जो टर्म है आपका वुमेनज्म वो सबसे पहले किसके द्वारा यूज़ किया गया था तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी एलिस वोकर के द्वारा वुमेनज वर्ड को टर्म को सबसे पहले यूज किया गया था क्वेश्चन नंबर देखिए हु अमंग द फॉलोइंग इज ए वेल नोन न्यू एरिस्टोटेलियन क्रिटिक ओके तो वन फोर्टीन का करेक्ट हो जाएगा आपका सी यानी कि आर एस क्रेन वन फिफ्टीन देखिए होमोनिम्स आर वर्ड्स दैट होमोनिम्स कौन से वर्ड्स होते हैं तो होमोनिम homonym, होमोनिम्स जो होते हैं वो बोलते हैं आप आर स्पेल्ट सिमिलरली बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स जो हारमोनीम सोखते हैं उसकी स्पेलिंग तो सेम होती है बट उनके जो मीनिंग्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं ओके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उनके मीनिंग्स जो है चेंज हो जाते हैं वन सिक्सटीन देखिए माई ल्यूट बी एस दाओ वर्ट वन ग्रो विद माई विद दाई ग्रीन मदर इन सम शेडी ग्रो विलियम ड्रम्बोन्ड दौ कोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ जो ऊपर ये कोट दी गई है ये किसका एग्जाम्पल है तो वन सिक्सटीन का करेक्ट हो जाएगा आपका सी रन ऑन लाइन ओके रन ऑन लाइन का एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया गया है वन सेवनटीन देखते हैं सू रियलिज्म एसोसिएटेड विद सू रियलिज्म किससे एसोसिएटेड है तो राइट right ऑप्शन आपका डी हो जाएगा एंड्रे एंड्रिटन एंड्रे ब्रिटन से ही एसोसिएट है क्वेश्चन नंबर वन एटीन देखिए यहाँ पर आपको फोर ऑप्शन में से इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको चूज करनी है यहाँ पर तो देखिए फोर स्पेलिंग में से इसमें से कौन सी इनकरेक्ट दी गई है ये आपके करेक्ट है ये भी ये भी बट आपकी सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही नहीं है स्पॉन्टेनियस स्पोनटेनियस की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है एस पी ओ एन टी एन ई यू एस स्पोन्टेनियस ओके आई नहीं आई की जगह आपका ई यूज़ होगा टी ए एन ओके टी एन ई ऐसा होता है ये स्पोनटेनियस और इसका मीनिंग होता है आपका सहज या फिर स्वाभाविक ओके okay, और इन एनिमियस का मीनस होता है आपका एकमत मत होता है आपका जहरीला और सिमलटानियस होता है आपका जो समकालिक ओके नेक्स्ट वन नाइनटीन वन नाइनटीन में जो राइट ऑप्शन होगा आपका जिसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट दी गई है वो है आपका टेमप टेम्पिस ये आपकी स्पेलिंग बिल्कुल रॉन्ग है और इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है टी ई एम पी ई एस टी यू ओ यू एस ठीक है टेम्परेचर्स पी ए एस की जगह आप ई यूज़ करेंगे इसमें तो आप एक गर्क स्वेलिंग हो जाएगी और इसका मीन्स होता है प्रचंड या फिर तूफानी ओके और टेम्परेचर आपको पता ही है तापमान टेम्परामेंट ये होता है व्यवहार किसी का और टेम्पटेशन बोलते हैं लालच या लोभ को देखिए आपको इससे वो कैब काफ़ी स्ट्रॉग हो जाएगी हम आपको एक क्वेश्चन के साथ चारों चारों से आपको करा देते हैं ताकि आपको बुक एप्स इसमें लर्न हो जाए इससे और आपकी हेल्प हो थोड़ी सी इसमें वन ट्वेंटी देखिए स्टेशनरी डिक्शनरी रिवोल्यूशनरी और वॉलेंट्री यहाँ पर भी आपकी सी ऑप्शन में गड़बड़ है वन ट्वेंटी का रिवोल्यूशनरी जो है सही नहीं दी गई है स्पेलिंग और यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका आर ई वी ओ एल यू टी आई ओ एन ए आर वाई ठीक है जो आपका यहाँ पर ई आर वाई दिया है इसको हटा के आप ए आर वाई करेंगे तब आपकी स्पेलिंग सही हो जाएगी ठीक है नेक्स्ट देखिए वन ट्वेंटी वन इसमें आपकी बी ऑप्शन जो है आपका गलत दिया गया है ओब्निकस इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है आपकी ओ बी एन ओ एक्स आई ओ यू एस एक्स आई के एक्स के बाद आपका आई ओ यू एस आएगा ओनली ठीक है आपका सी इसमें नहीं आएगा ओके और इसका मीनिंग होता है आपका घृणित ओके घृणित इसको बोलते हैं मैंडेशियस बोलते हैं आप झूठा या फिर झूठ कुछ ओके okay. और प्रडिशियस बोलते हैं आ, हानिकारक और फेरोशियस बोलते हैं खुकार को नेक्स्ट देखिए वन ट्वेंटी टू मैग्निफिशियंट ऑम्निसंस्ड एफिशियंट और सफिशियंट तो वन ट्वेंटी टू का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए मैग्निफिशेंट ये आपकी स्पेलिंग जो है रॉन्ग दी गई है यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं द फ्रेज डिस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वॉज़ फर्स्ट यूज बाई जो फ्रेज आपका डिस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी ये किसके द्वारा सबसे पहले यूज़ किया गया था तो ये किया था टी एस एलियट ने सबसे पहले यूज़ नेक्स्ट एन आइडल इज़ यूजली पोएम अबाउट ए जो एक आइडल होता है वो एक पोएम होती है यूजअली किसके बारे में होती है तो ये होती है पिक्चर कंट्री लाइफ ओके राइट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का हमारा क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी फाइव द लॉस्ट जनरेशन रेफर्स टू द जनरेशन दैट केम टू मैचोरिटी इन द तो देखिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा आपका वन ट्वेंटी फाइव का वो हो जाएगा ए नाइनटीन ट्वेंटीज़ जो लॉस्ट जनरेशन सी वो नाइनटीन ट्वेंटीज की जनरेशन को रेफर किया गया था जो मेचोरिटी में आई थी ओके okay? तो यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट इलेवन आपका फिनिश होता है मिडिल माइंडस इंग्लिश वाली बुक से ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ प्रैक्टिस सेट ट्वेल्व की बने रहिए हमारे साथ और जो लोग चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ओके थैंक यू